सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके से सोमवार की शाम को अचानक शारदा सहायक नहर के किनारे से गायब हुए सिपाही संदीप मेहरा का शव आज बरामद कर लिया गया है। अब मौके पर हमारे सहयोगी अरुण सिंह आचार्य मौजूद हैं। अरुण जी बताइए, क्या पूरा मामला था और कहां से शव बरामद हुआ? ये शव वही मिला है जहां अभी दो बच्चे एक सप्ताह पूर्व डूबे थे। जी, महाजदिया का पुल है, ये शारदा सहायक नहर है, लेकिन ये लहरपुर वासियों के लिए काफी जानलेवा साबित हो रही है। आए दिन घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं और लोग डूबने का शिकार हो रहे हैं। जी, वास्तविकता ये है कि ये जो आरक्षी है संदीप मेहरा पुत्र इंद्र सिंह, पिछले 6 माह पहले कोतवाली देहात से लहरपुर आकर के इसकी नियुक्ति हुई थी जी सितम्बर माह में, और उसके बाद में ये यहाँ पर अच्छा सा अच्छे व्यवहार से और अच्छे मिलनसार होने के चलते कम समय में ही इसने अपना बढ़िया लहरपुर में बना लिया था जी। लेकिन कुछ इसका पारिवारिक कारण की वजह से ये तनाव में रहता था और नहर पर जाकर के आए दिन फोन पर लंबी लंबी बात किया करता था जी और उसी लंबी बात के चलते कल के दिन जब ये पहुंचा तो बात करते करते इसका संतुलन बिगड़ गया और ये नहर में फिसल गया, जिसके चलते जो लोग दूर से प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। जब तक पुलिस वहां मौके पर पहुंचती तब तक ये आरक्षी संदीप बेहरा डूब चुका था और जिसका शव आज बरामद किया गया। जी बिल्कुल, तो ये हादसे का शिकार हुआ संदीप, जिसके बाद पुलिस और गोताखोर लगातार इसकी तलाश में जुटे हुए थे नहर में, और आज उसका शव बरामद कर लिया गया। शव बरामदगी के बाद जो लहरपुर के SDM हैं PL मौर्य, वो भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने मीडिया को मामले की जानकारी दी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि SDM ने मामले को लेकर क्या कहा। देखिए, जो ये कोतवाली लहरपुर में तैनात जो कांस्टेबल संदीप मेहरा है, संभवतः उत्तराखंड के रहने वाले जो है बताए गए हैं, ये परसों से लापता थे। ड्यूटी के बाद कहाँ गए मालूम नहीं था, वो किसी ने जब खोजबीन जांच की तो मोटरसाइकिल इनकी नहर के किनारे मिली और आज जो है उनकी बॉडी जब तलाश कराई गई है तो बॉडी प्राप्त हुई है और नहर के किनारे जैसा आप देख रहे हैं बॉडी जो है सील करके और जो है पंचनामा आदि की विधिक कार्रवाई की। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।